गई है कहीं पर बड़ी गाड़ी लेकर, नहीं मानी वो अकेले गई, नहीं मानी मेरी बात, नहीं मानी। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन वो आजकल मेरी लिबर्टी का ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। ये बता सबसे पहले, तू बड़ी गाड़ी लेके बिना ड्राइवर के बिना सिक्योरिटी गार्ड के क्यों गई अकेले? भैया मैं रितु के यहाँ गई थी भैया, आप भी ना भैया, मैं बड़ी हो गई हूँ अब मैं बच्ची नहीं रही। अच्छा सामने बैठते हैं, मुझे कुछ समझा रहा है। कारों की चिंता नहीं है, तीन कार ला दूंगा, मेरे लिए तू हमेशा छोटी रहेगी। कल को तुझे कुछ हो गया ना, मेरा कौन है तुम्हें? भैया आप भी। अच्छा ठीक है यार, माफ कर रहा हूँ, लेकिन सिद्धार्थ आइंदा से कभी अकेली नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगा। हाँ खुश। और भाइयों क्या चल रहा है आजकल? भाई ना कोई पार्टी ना कोई क्लब, मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। भाई क्या हो गया आजकल, रोज गाड़ियों में घुमा देते हैं, कुछ भी नहीं। अरे पार्टी भी होगी एंजॉयमेंट भी होगा, थोड़ा सबर तो कर, दो तीन महीने हो गए तो फेफड़े भी बोलने लगे जिंदा हो। भाई अच्छा खाना खा रहा है, बहुत दिन हो गए, देखो कपड़े भी ढीले डाल लगे। अरे भाई को बुलाया मैंने टाइसन को, बता रहा मार्केट में नया शिकार आया है। भाई इस बार भी शिकार को जबड़े में ऐसे पकड़ना जैसे हमेशा पकड़ते हो। देखो भाई ठंडा करके खाना, ज्यादा गर्म भी निकल जाता है। ठीक है अरे ये लो टाइसन भाई तो आ भी गए। नमस्ते भाई, कैसे हो टाइसन भाई? आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बार भी एक शिकार लेकर आई हूँ आपके लिए, पर हर बार की तरह इस बार मेरा ऐसा टाइम पे पहुँच जाना चाहिए। समीर मल्होत्रा नाम है मेरा, ना आपका छोड़ता हूँ ना हराम का रखता हूँ। बहुत तो हमारी इतना खर्च करते हैं तो किसी का क्यों मारेंगे? ये जान में दुखी समीर के अभी तक मारने तो हुई है, तो इसी बात पर नंबर लो। डबल टू डबल टू डबल थ्री फोर, लड़की का नाम है सलोनी सिंगानिया। धन्यवाद टाइसन। कैसे कहा? ठीक है। अच्छा भाई अच्छा भाई अब तो मजा आ गया, मौज होगी भाई। अरे चलो यार यहाँ बहुत शोर है, ऊपर जाके सलोनी सिंघानिया को फोन करते हैं। सलोनी हेलो, कौन? इज दैट सलोनी सिंघानिया? मैं समीर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कौन समीर मल्होत्रा? वही समीर मल्होत्रा जो कॉलेज के हर स्टूडेंट की हेल्प करता है। कैसी हेल्प? और मैं तुम्हारी काफी हेल्प भी कर सकता हूँ कॉलेज में अच्छे नंबर लाने के लिए। मेरे वैसे ही अच्छे नंबर आते हैं। अगर तुम्हें लाने ही अच्छे नंबर तो मुझे कैंटीन में आके मिले शाम को 4 बजे। कौन हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बाय। चलो एक बार मिल लेती हूँ, पता तो चले कौन है। अब तो समीर ने मैडम को फोन कर दिया होगा, साहब तो लेट आएंगे, जाकर देखते हैं कि सोनी मैडम गुस्से में तो नहीं है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टाइसन। टाइसन साहब आपके साथ गए थे, साहब कहाँ पे? मैडम साहब कई काम से गए हैं, लंच टाइम तक आएंगे। चलो कोई बात नहीं, किचन में खाने के लिए बोल दो और खाना खा। मैडम बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? नहीं टाइसन मैं गुस्से में नहीं हूँ, एक काम करना ड्राइवर को बोल देना 4 बजे मुझे कहीं जाना है तो गाड़ी तैयार रखें। ठीक है? ओके मैडम मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। अरे अभी तो 4 बजने में थोड़ा टाइम है, एक काम करना मैं सोनी से मिलके आता हूँ 4 बजे, तुम दोनों बाहर ही रुकना। भाई
अरे हम जिसे बुलाए वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और जिस दिन किसी लड़की ने मना कर दिया उस दिन मैं फ्लर्ट करना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, मैंने अपने काम कर दिया, तू अपना काम कर दिया। ठीक है टाइसन, मिलते हैं फिर। काम करो, 4 बजने वाले हैं, तुम दोनों बाहर वेट करो, मैं सोनी से मिलके आता हूँ। ठीक है, ओके भाई। भाई एक बात बता, हाँ, वो से लड़की पटेगी नहीं पटेगी? पटेगी, जरूर पटेगी, और भगवान से दुआ करके पट जाए। और जब पटेगी ना तभी हमारी जेब भरेगी। लड़का अगर अच्छा होगा तभी मिलूंगी, वरना नहीं मिलूंगी। हाय, समीर मल्होत्रा, सोनाली सिंह। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। समीर, आप फोन पे बता रहे थे आप मेरी हेल्प करोगे, कैसे हेल्प करोगे आप? तो पता ही है कि कॉलेज के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल जाए तो। सच में आप ऐसा कर सकते हो? वैसे भी जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लेता। सलोनी, शॉर्टकट तो सब लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट के बाद ही बड़ा कट मिलता है। समीर, तुम जानते नहीं हो इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर डॉक्टर देव सिंघानिया वो मेरे बड़े भाई हैं। मैडम, माना कि आपके बड़े भाई इस शहर के फेमस डॉक्टर हैं, मगर शान और शौकत हमारे भी कोई कम नहीं है। आप जो भी बोलो, मेरे भाई आने वाले हैं, मैं ज्यादा देर तक क्या रुक नहीं सकती। अरे मैडम, कुछ खा पी भी तो चाहिए। नो थैंक्स, मुझे चलना चाहिए। चिड़िया जाएगी कहाँ, वापस तो इसी डाल पे आके बैठेगी। अरे तो भाई आ गए। अरे भाई आ गए, खुशखबरी देंगे। अरे जंग जीत ली। अरे भाई तो पार्टी हो जाए। चलो यार, क्लब में चलते हैं, पार्टी करते हैं। कल बुआ भी आ जाएगी वैष्णो देवी से। क्या, कल बुआ आ रही है? अच्छी बात है भैया, आप तो वैसे भी पूरा टाइम काम पे रहते हो और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, और जब बुआ आ जाएगी तो बहुत मजा आएगा। नहीं, बहुत छोटा था, नवमी डैडी की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, और बुआ बुआ ने खुद शादी नहीं करी और हम दोनों को बड़ा किया, पूरा ध्यान लगा के। ये बात मैं बहुत बार आपसे सुन चुकी, पर जब ये आप बात बोलते हो ना तो पता नहीं क्यों मुझे वह सारा सीन मेरी आंखों के सामने आ जाता है। केवल 6 महीने, मैं होऊंगा 8 साल जब वो इंसिडेंस हुआ, मुझे तो तब था, और उसके बाद युवा ने ही संभाला, पढ़ाया, तो मुझे पता नहीं लगा, तो मैं बड़ा हो गया तब मुझे पता लगा युवा ने क्या किया। इस तरह के अपन ने तो दोनों को पढ़ाया, और मेरे फिर यही मन में लगन आई कि मैं जरूर डॉक्टर बनूंगा, कि उम्मीदों को मैं पूरा करूँ, और मैंने पूरा करके अच्छी तरह डॉक्टर बन गया। आज बुआ बहुत खुश है, और मैं जल्दी से काम पे लग गया इसलिए कि मैं बुआ को फ्री कर सकूँ, और तेरे सॉल्व भी मैं नहीं। भैया, जब मैं छोटी थी तब तो मुझे कुछ पता नहीं चला, अब जब मैं बड़ी हुई हूँ तो आप मुझे सब कुछ बताते हो तो मुझे एहसास होता है कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया। आपने पढ़ाई की, डॉक्टरी की, वो भी मुझे पढ़ाने के लिए, और आज हम जो भी है ना वो सिर्फ आप ही की वजह से। इसलिए अब मैं जो भी कुछ सोचती हूँ ना तो फिर बस बस मुझे ये सब यही चीज़ें याद आती है। तुम सब चीज़ें की चिंता मत कर, बस तू अपना मन पढ़ाई में लगा और लाइफ एंजॉय कर। ये सब चीज़ों के लिए मैं हूँ, युवा है हम, है ना, बस तू सिर्फ पढ़ाई कर। मुझे आज से नहीं काम है, मेरे ना सारे स्कूल के फ्रेंड्स ना गोवा जा रहे हैं, तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे। 1 लाख? 1 लाख क्या, मैं 3 लाख दे दूंगा, लेकिन अकेले नहीं जाना, मुझे भी टेंशन हो जाती है, बुआ को टेंशन हो जाती है। भैया, मेरे साथ रितू भी जा रही है, प्लीज मुझे जाने दो। अब तो आराम कर, सुबह मैं उठते ही रितू के मम्मी डैडी से पहले बात करूंगा, और अगर वो जा रही है और वो भी भेज रहे हैं तो मैं भेज दूँगा।
ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। ठीक है, सो जा। अरे आज कौन सी कमरे में सोएगी? सारे बेडरूम तो तेरी चॉइस में आएंगे। आज कौन से वाले में सोएगी? इसी रूम में सो जाऊंगी। अरे वो छोटी भी तो देख लो, मोबाइल में गिर रहती, सो ही नहीं होगी। सो जरूर, देख के आता हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं ना। हाँ हाँ, मैं करेक्ट 10 बजे आ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे भैया, आप कितने अच्छे हो। बटरिंग मत कर, चाप से बैठ गया। मालूम है मैं आज वॉक पे गया था ना, रितू के पापा मिले थे और बोले तुम सलोनी को भेज रहे हो, तो मैंने कहा अगर रितू जा रही है तो सलोनी जरूर जाएगी। बस आज शाम को ऑफिस आऊंगा ना, 1 लाख रुपये। थैंक यू भैया। बट तुझे मालूम है ना, मैं तेरा चेहरे बिना देखे बिना घर दिन नहीं कर सकता। एक शर्त है, सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो कॉल पे अटेंडेंस लगाएगी। पक्का? ओके। चल कम इन। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, आपके बहुत पसंद बैठे हैं, आप जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ मैंने पहले ही कहा था रात को, इसलिए मुझे याद नहीं आता। तो नीचे जाओ, मैं बस तैयार होके आ रहा हूँ। भैया आप इतना काम क्यों करते हो? मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूँ? इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम्हारे इतनी तकलीफों से मैं बड़ा किया है। बुआ को कोई तकलीफ नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, और तेरे को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं। भैया हमें तो किसी चीज की कमी है ही नहीं, आपने सब कुछ दिया है, घर दिया है, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे कॉलेज की टॉप के कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, तो अब मुझे और क्या चाहिए? और मेरे हिसाब से आपको इतनी मेहनत करनी नहीं चाहिए। तेरी बहुत धूमधाम से शादी भी तो करानी है मुझे, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। भैया मैं नहीं शादी करूंगी, अगर शादी करूंगी तो बुआ को और आपको साथ में लेके जाऊंगी। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भैया आप मेरे साथ ही चलोगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मेरे बहुत पेशेंट बैठे हैं, मैं जा रहा हूँ शाम को, प्रॉमिस 1 लाख रुपए लेके मेरा। ओके यस, भैया मान गए, रितु को फोन करती हूँ। हेलो रितु, भैया पैसे देने के लिए मान गए हैं और हम गोवा चलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। हाँ चल ठीक है, ओके ओके। साहब को और मैडम को बहुत रुपये था, ये सारी काम तुम्हारा है। अरे क्या
100% करेंगे समीर भाई। समीर मल्होत्रा है मेरा नाम, जो हाथ में लेता हूँ काम उसको पूरा करना है मेरा काम। Cheers! टाइसन बैग यहाँ रख लो और तुम जाके सो लो। छोटी ये ले लीजिए मानो, कल की फ्लाइट पे चुपचाप जाके सो लो और संभाल के रख लो। भैया ने पैसे दे दिए गोवा जाने के, मतलब आ गया। वो अच्छे दर्शन हो गए वैष्णो देवी के। हाँ, माता के दर्शन कर रही मैं। छोटी कहाँ है? छोटी गोवा गई है। गोवा गई है? हाँ। कब गई? वो कल गई है। कल गई? वो रितु के मम्मी पापा से बात हो गई कि रितु को उन्होंने भेजा, तो इसलिए मैंने भी साथ में भेज दिया। घर की बड़ी मैं हूँ कि तू है? तूने मुझे बताया भी? आपको मैंने फोन करे, आपके बिना तो मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन आपका मोबाइल तो काम नहीं कर रहा था ना वैष्णो देवी के ऊपर। वो उसको भी पता है कि आप आज आने वाली हो, वो शाम तक ही आ जाएगी। आ जाएगी ना, दो दिन की ले गई है। अब आप रिलैक्स करो, कपड़े वपड़े बदल लीजिए, पूजा वूजा कर लीजिए, आराम कीजिए, थक क्यों आई है। ठीक है मैं जा रही नहाने, कपड़े वपड़े बदल के फिर आराम से बैठ के हम बात करते हैं। तब तक वो भी आ जाएगी। हाँ देव, तू छोटी की शादी की सोच रहा है, पर तू कब करेगा? बुआ, आपने तो हम लोगों के लिए इतना सेक्रिफाइस किया, आपने भी। अरे तुम दोनों को पालने में ही मेरा तो जीवन निकल गया। तुमको मैंने बच्चों की तरह पाला। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब तुम शादी करोगे, बच्चे आएंगे इस घर में, उनको मैं ही तो संभालूंगी। देव, ये सब तो ठीक है, पर ये बता कि छोटी आएगी कब? अरे बुआ, फ्लाइट लैंड कर चुकी है, ड्राइवर गया हुआ लेने। अरे वाह, बस आने वाली है। बहुत मजा आएगा, मैं तो कई दिनों से मिली भी नहीं हूँ। चलो आने दो छोटी को, फिर उसकी खबर लेती हूँ। अरे अरे आ गई मेरी बेटी, आ गई। मेरा भी दिल तेरे बिना उदास रहता है। तुम्हें क्यों लगाए? तू अकेले क्यों गई? साथ में ले जाती ना किसी को? अरे बुआ, मैं इतनी टेंशन लेती हूँ, क्यों ना लूं तेरे बिना? तो सच में मेरा दिल बड़ा उदास था। छोड़ो, थकी गई, आराम कर। हाँ भाई, भाई बहन आपस में गुफ्तगू कर लो, बुआ की किसको परवाह है। चल ऊपर बैठ जा तू भी आराम से। चलो बुआ, छोटी तो मिल गई आपको, मेरी क्या जरूरत। मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। अरे सुन देव, शाम को तू सीधा इधर आई, मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है तेरे से आज। हुआ, मुझे मालूम है, मैं आप ही के पास आऊंगा शाम को, मुझे मालूम है। हाँ, छोटी के बारे में बात करूंगी, भूलना नहीं आज। नहीं बिल्कुल। ठीक है, बाय भैया। बाय। और छोटी सुना, कैसी है? तुमने क्या किया वहाँ पर इतने दिन? बुआ क्या बात है, दिन ब दिन बड़ी खूबसूरत होती जा रही हो। चल घर, दो मक्खन लगा रही है। बता।
नहीं बता असली बात क्या है, तेरे दिल में क्या है बता, बता दे। जरूर कोई बात है, कुछ छुपा रही है तुम मुझसे। अरे नहीं भैया, हाँ मैं तेरी लगन जानती हूँ। नहीं कुछ है, बोल तो बता दे। चलो चलो, अगर बताएगी नहीं तो मैं तेरी मदद कैसे करूंगी बेटा। बचपन से तुमने हर बात मेरे से शेयर की है ना। बुआ मैं भैया को बताने से डर रही थी। मुझे लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा तो बेटा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, कौन है क्या करता है तू उससे मिलवा दे। अगर मैं मिलूंगी नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा। ठीक है, हाँ उसको बुला, मेरे साथ बैठ के थोड़ा बातचीत करूंगी मैं उससे। ठीक है बेटा, मैं जो करूंगी तेरे भले के लिए करूंगी, अपनी बुआ पर विश्वास रख। ठीक है बेटा, तू थकी हुई आई है, आराम कर ले, मैं भी जाके जरा किचन में देखती हूँ क्या हो रहा है, शाम के खाने की तैयारी करूंगी है ना। ठीक है तू सो जा। ले बुआ मैं आ गया, बिल्कुल सही हो गया। अब बोल क्या बात है। हाँ देव, बहुत जरूरी बात करनी, और मैं कई दिन से सोच रही थी कि छोटी की शादी की बात की जाए, पर आज उसने मुझे बताया कि वो किसी से प्यार करती है और उसी के साथ सेटल होना चाहती है। इतनी बड़ी बात घर से कैसे छुपा सकती है। तू नहीं समझेगा, वो मुझे अपनी माँ, सहेली, बुआ सब कुछ मानती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बनवाया। क्या बताओ, उससे मिलना चाहिए, हम लोगों को मिलना चाहिए, शादी तो उसकी करनी ही है। तूने क्या सोचा बुआ। मैंने यही सोचा है कि भाई शादी तो उसकी करनी ही है, हम उसी लड़के को बुला लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, अगर ठीक लगेगा तो रिश्ता कर देंगे, नहीं तो लौट। मान जाएगी बात। देखो लड़के को बुलाओ, तुम उससे बात बात करो, यही बुला लो, यही हम मिल लेंगे उससे। छोटी कहाँ है तू, अभी लॉबी में आना, जल्दी से आना लॉबी में। देव गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं, मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। बेटा तुम किसी से प्यार करती हो तो उसको बुला लो, हम उसे मिलने जा। ठीक है मैं बुला लेती हूँ। कहाँ पे हो आप, कितनी देर तक पहुंचो। अच्छा सुनो, जब आप आओगे ना तो गार्ड को बोल देना कि वो आपको थर्ड फ्लोर की लॉबी पे छोड़ दे। ठीक है, और मेरी बुआ और मेरे भाई आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ बुआ समझा दो उसको। छोटी एक बार कान खोल के सुन ले, हमने बुलाया है लड़के को मिलने के लिए, अगर हमें पसंद आ गया तो तू जब कहेगी हम शादी कर देंगे, भले ही आज भले ही कल, पर अगर ये लड़का हमको ठीक नहीं लगा तो फिर तू जिद नहीं करेगी, जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे और तुझे माननी पड़ेगी हमारी बात। छोटी सुन ले बुआ की बात, जो बुआ बोले पत्थर की लगी है तुझे, तुम्हारा जो ये बोलेगी वही फायदा। ओके ओके बुआ, बेटा भले की ही हम सोचते हैं हमेशा। मैंने इन भाई बहन को बड़े लाड़ प्यार से बचपन से पाला है, इनके हर सुख में दुख में मैं शामिल रही हूँ। मैं किसी अजनबी को तो अपनी बच्ची नहीं दे सकती, कुछ बताओ अपने बारे में।
मेरा ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस है और काफी प्रॉफिट आता है मुझे इसमें। अच्छा, तुम्हारे घर में बेटा कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मैं हूँ। मैं अकेला लड़का हूँ। अच्छा, तो आप दिल्ली में ही सेटल हो? हाँ जी, मैं दिल्ली में हूँ। मेरी द्वारका में कोठी है। कोठी तो बाद में बेटा, पहले तुम्हारा शोरूम कहाँ पे है? मैं देव साहब सलोनी को एड्रेस व्हाट्सएप कर दूंगा। आप कभी भी प्लान से आइए, मेरे ऑफिस में विजिट कीजिए और देख लीजिए। मैं कल ही आऊंगा आपके ऑफिस। ठीक है देव साहब। ठीक है बुआ जी, ओके देव साहब, अब मैं चलता हूँ, एड्रेस व्हाट्सएप कर दूंगा। क्या बेटा, छोड़कर आ गई। कैसा लगा बुआ? बढ़िया लगा लड़का। और कल तू जाएगा उसके शोरूम देखने? मेरे ख्याल से तो सब ठीक ठाक कर देना चाहिए हमको ये रिश्ता। सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ। अरे तो समीर है। अरे भाइयों, सलोनी की जायदाद तो हाथ में आ गई। कोई और मछली है तो देखो मार्केट में। भाई एक लड़की आई है, अच्छा बहुत टाइम लगा है। कैसे जानता? देखा है मैंने भी। अच्छा, बोली पढ़ने आई है अपने कॉलेज में? निकालो से डिटेल्स। ठीक है, तू डिटेल निकाल, बाकी काम मुझको छोड़ दे। तुम हम जाने वाले थे ना हमारे दामाद जी के शोरूम पर, क्या हुआ? हुआ, तुम तो मुझे जानती हो, मैं आज तक रुकने वाला था क्या? मैं कल ही जाके देख आया। अच्छा? और जो मैं देख के आया ना, आपको बताऊंगा ना, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या देखा तुमने? मैं तो कल ही देख के समझ गया था, वो लड़का एक नंबर का आवारा है, लड़कियों के साथ घूमने वाला है और कमाने वमाने वाला कहीं से भी नहीं है। हमारी छुटकी बहुत भोली है। सही बात है, चलो अच्छा हुआ तुम चले गए। सुन छोटी, आप हमारी बात ध्यान से सुन, हम तेरे लड़का देखेंगे, हमारे ही काम है। अब किसी गलत हाथों में तुझे नहीं देंगे। हमें सोचने का मौका दो और लड़के तलाश करने दो, पर उस लड़के को तुम्हें भूलना पड़ेगा। अब कोई अच्छा लड़का हम जान पहचान में। बेटा मेरे पास आ, मेरी बच्ची मत उदास हो, मैं एक से एक अच्छे लड़के हैं। देव, तुमने वो किसी का जिक्र किया था ना, तुम तुम्हारे दोस्त का छोटा भाई है, क्या नाम था मुझे याद नहीं, एक दिन कहा था उसी से बात करो ना रिश्ते की। हाँ मैं हूँ, उससे वापिस से बात करता हूँ। हाँ तो बुला लो, मैं मिल लूंगी उससे। बुआ जी सुन लो, मैं शादी करूंगी तो समीर मल्होत्रा से ही करूंगी। क्या बोल रही है? देव गुस्सा नहीं करना, वो बच्ची है, मैं उसको समझाऊंगी, है ना? कोई तू शांत रहा, देखा कैसे पटकती हुई गई है पैर। बुआ बच्चों में जब हम लड़ते थे आप ही हम दोनों को समझाती थी, अब आप ही उसको समझाना। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर कोई ऐसा वैसा कदम तुम मत उठा लेना। पर बुआ मैंने बैठे बैठे सोच लिया, अगर उसने उस आवार लड़के के साथ शादी करी तो मैं अपनी मेहनत की प्रॉपर्टी एक पाई भी उसको नहीं दूंगा। नहीं, नहीं अभी अभी रुक जा, तू थोड़ा रुक जा, कोई ऐसा कोई कठोर कदम अभी मत उठा, मैं समझाऊंगी उसको। वो बच्ची है, जल्दी गुस्से में आ जाती है।
हाँ समीर पूरी तैयारी हो गई, सिंगर सारी तैयारी हो गई, क्लाइंट से बात हो गई, बात हो गई सही की हर चीज। और यार ये अच्छा है, हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, ऑफिस का काम सारा मैं संभाल लेता हूँ, मैं सारा बाहर का देख लेता हूँ, बाहर का देख लेती हूँ, तुम्हारे को मेरे पे यकीन है, मेरे को तुम्हारे पे यकीन है, सालों से बिजनेस कर रहे हैं, हमने जीरो से स्टार्ट किया है और आज कहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए। चलो मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है मेरे यार। और ये मेरे भाई के दोस्त हैं, देख भैया वो आ रहे हैं, पता अच्छा नहीं कार पार्क की है, पता नहीं किस काम से आए। चलो कोई नहीं, मैं लेटर आऊंगा, फिर मिलूंगा उनसे, ठीक है, ओके बाय बाय। देख भैया आप यहाँ कैसे आइए आइए, बस मिलने आ गया, बैठे बैठे बैठे, आप ही तो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भैया। और बताइए आपके इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं मेरे तक आ रही हैं। अच्छा आपके पास तो बिल्कुल फुर्सत भी नहीं है। अरे मैं फुर्सत निकाल के यही पता करने आऊँ तुमने शादी करी कि नहीं करी। आपने इसलिए शादी नहीं की छुट्टी के खाते हो, और मैंने शादी नहीं की, मेरी मैं मेरा बिजनेस है। अच्छा छोटी तो बड़ी हो गई होगी, बड़ी शैतान थी, छोटे थे तो लड़ाई होती थी, आप छुटा देते दोनों की लड़ाई, बड़ी हो गई और शादी के लायक हो गई, क्या करोगे आप? बस कॉलेज जा रही है, मेरे भी खिलौने लाते थे, इसलिए मेरा ये मन है कि वो कहीं बाहर नहीं जाए, घर में ही जाए, मेरे घर में जाए, दूर नहीं जाए। तो मैं आपकी बात भैया समझा नहीं, मैं सोचा था कि जी भैया छोटी जो है मेरे दोस्त के घर ही है। मतलब आप क्या कह रहे हैं मेरे को पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। अरे मैं चाहता हूँ कि अगर छोटी का रिश्ता तुम्हारे से हो जाए तो मेरे दोस्त का सपना पूरा हो। देखो भैया आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बड़े भाई भी जो दुनिया में, आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और आपने बचपन में सोचा भी था, हम बुढ़े गुड़िया का खेल बचपन में खेलते थे, पर वो बातें और थी। अब छोटी हो गई है बड़ी, मैं उससे मिला नहीं, वो मेरे को भी देखेगी मुझे पसंद करती है नहीं करती है। और देखो भैया मैं वादा नहीं करता, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं छोटी से मिलूंगा, छोटी से बात करूंगा, अगर उसे मुझे वो समझ में आती है और मैं उसको समझ में आता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी बिल्कुल। तो ठीक है भैया, कल मिलते हैं आपके घर में, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। कुछ लीजिए तो सही भैया, बैठे मैं भी लीजिए तो पूछा नहीं, कल ही लेंगे, थैंक यू। बोलो फैसल, इतनी भी इमरजेंसी क्या थी जो मुझे बुलाया? समीर सुनोमी की घर पर शादी की बात कर रही है, फिर शादी करनी जल्दी कर लो वरना शादी उसकी और हो जाएगी। अरे टेंशन मैं रेत भी पकड़ लेता हूँ ना, तो वो भी मेरे हाथ से नहीं छूटती, सुनोमी चीज ही क्या है वो, तुम्हें चीज थोड़ा बोलता है समीर पर भूमि का। अरे तू सिर्फ ऐश कर, बाकी सब मुझको छोड़ दूंगी। टेंशन भाई तू घर जा और चादर टांग के सो जा, मैं जो काम हाथ में लेता हूँ पूरा करता हूँ और तेरा कमीशन तुझे मिल जाएगा। अरे टाइम हो गया, सलोनी आने वाली होगी, तुम दोनों बाथरूम में जाके छुप जाओ। बाथरूम में? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं आ रही। अरे तुम जाओ ना यार। अरे सलोनी अभी भी नहीं आ, भैया मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, उस लड़के को सब सच सच बता दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर वो नहीं मानेगा? अरे मान जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की किसी लड़के को बताए कि वो किसी और से प्यार करती है और लड़का माने ना। ठीक है, वो तो शाम को बताती हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम दोनों बाहर आ जाओ, चली गई हो। अब रहा
बॉस जब लड़की कमरे तक आ गई तो आपने उसे ऐसे क्यों ना जाने दिया? हाँ बॉस जाने क्यों दिया? अरे लड़की का क्रेज मैं हूँ, अगर मैंने कुछ कर लिया तो लड़की का क्रेज खत्म हो जाएगा, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? बॉस आप धन्य हो। बात तो ठीक है बॉस। चलो भाइयों क्लब में एंजॉय करते हैं। चलो बॉस। अरे भैया आओ प्रशांत आओ बैठो। जी जी भैया थैंक यू। और सुनाइए भैया क्या हाल है? बस बढ़िया। आज आप जल्दी आ गए वरना तो आपके स्कूल से तीन मिनट। अरे बस उनको देख के मन खुश हो गया। मेरे भी कई क्लाइंट है जो आपके पेशेंट हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि हमने रात को 10 बजे फ़ोन किया, हमने रात को डॉक्टर साहब को 12 बजे फ़ोन किया। ये छोटी? हाँ ये छोटी है। छोटी? ये प्रशांत है, हमेशा बात करता हूँ ना। हम बचपन में खेला करते थे। नमस्ते नमस्ते बैठिए। तो भैया मैं कह रहा था कि मेरे भी कई जो क्लाइंट हैं वो आपके पेशेंट हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं, कहते हैं रात को 12 बजे फ़ोन करते हैं, रात को 1 बजे फ़ोन करते हैं, तो आप मैनेज कैसे करते हो? सर मैं दिन का भले ही फ़ोन नहीं उठाऊँ लेकिन रात को 11 से 5 तक अगर कोई फ़ोन करता है वो जरूर उठाता हूँ, क्योंकि वो जरूर 1 बजे कोई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जी जो कर रहा है वो इमरजेंसी होती है, वो मिस नहीं करता हूँ। जी बात है। दिन में तो कहीं भी दिखा लेगा पेशेंट। जी रात को जी, अगर हो रहा है वो रात को कोई भी डॉक्टर को परेशान नहीं करना चाहता, 1-2 बजे कर रहा है तो वो जरूर उठाता हूँ, क्योंकि वो जरूर कोई बहुत सीरियस होता है। अच्छा प्रशांत मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, छोटी सी बात। ठीक है आइए मैडम बैठिए। बचपन में तो मैं आपको छोटी ही बोलता था, अब छोटी बोलूं या सलोनी बोलूं? अच्छा ये बताओ मैं मालूम है तुम्हें मैं आज किस लिए आया हूँ? पता है किस लिए आया हूँ? मैं तुम्हें देखने आया हूँ रिश्ते के लिए। भैया मेरे पास आए, मैंने बोला कि मैं जाऊँगा सलोनी से बात करूंगा, अगर वो मुझे अच्छी लगती है उसे मैं अच्छा लगता हूँ तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। सलोनी सबसे पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बताओ। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। तो फिर उससे क्यों नहीं शादी करी? भैया मान लो भैया मेरा जो मैं वो लड़का ठीक है बट मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आपने इस बारे में कुछ मत बताना, बट मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो फिर मना कर दो भैया को कि मैं शादी नहीं करूंगी। मना क्यों नहीं कर देती? मैं नहीं मना कर सकती, वो मेरी बात नहीं मानेगी। एक बात बताऊं सलोनी, बचपन से खेले हैं, हालांकि मेरा शादी करने का इरादा नहीं था, भैया आए तो मैंने बोला चलो देख लेता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से मुझे पसंद आई, कोई बात नहीं मैं उन्हें मना कर दूंगा, ठीक है? लेकिन हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। भैया काम से गए मैं चलता हूँ, आए तो बता देना, ठीक है? मैं उनसे बात कर लूँगा। ओके थैंक यू बाय। मुझे बताना चाहिए बात और बताऊंगा कि वो शायद किसी लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। हाँ वो मालूम है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो उस लड़के में क्या दिक्कत है? वो लड़का किसी भी तरह से उसके लायक नहीं है, ना हमारे घर वालों के लायक है। तुम देखे वाले लड़के हो। नहीं वो ठीक है भैया, आपने समझाया, मैं उसको और समझाऊंगा अच्छी तरह, वो बच्ची है। चलिए जैसे आप कहेंगे। तुम निराश मत हो, मैं मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बचपन की दोस्त है, मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें पसंद है ना? हाँ मुझे पसंद है, मेरी मदद करो तुम। ठीक है भैया, आप जैसे कहेंगे आप उससे बात कर लो। जरूर ठीक है, आप उसको समझाइए, अभी मैं फिलहाल चलता हूँ, आप आपस में बात। जरूर आऊँगा मैं, कल फिर मिलता हूँ। ठीक है भैया थैंक यू। छोटी ध्यान से सुन ले तू मेरी बात,
हाँ देव, तुम क्या बोल रहे थे? वो मैंने पहले भी कह दिया, अगर इसने उसी लड़के से शादी करी तो मैं अपनी मेहनत की कमाई चाहे दान में दे दूंगा कहीं भी, लेकिन उसको बर्बाद होते नहीं देखूंगा। सुन ली तूने बात? तेरी क्या मंशा है बता दे। आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। छोटी, तेरी क्या शर्त है बोल। अब तू इतनी बड़ी हो गई कि हम दोनों के आगे शर्त रखी है अपनी? कोई शर्त वाली बात नहीं है, बहुत आसान बात है, वो आप दोनों को मंजूर होगी। अगर कोई आसान बात है तो फिर शर्त क्या लगा रही है? ध्यान से सुन ले, अगर ऐसी ऐसी शर्त रखी तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। बुआ भैया को समझाओ, मैंने कोई शर्त नहीं रखी, ये बहुत आसान बात है। मैं सिंपल सी शादी करूंगी, और ना मैं शादी का कोई जोड़ा पहनूंगी, जिस कपड़े में मैं हूँ मैं उसी कपड़े में शादी करके रहूंगी, और आप दोनों में से कोई भी मेरी शादी में नहीं है। वाह, ये कैसे हो सकता? मेरी एक ही बहन है, मेरे भी कुछ अरमान है, इतने सालों से पूरा शहर मेरे से पूछ रहा है बहन की शादी कब कर रहे हो कब कर रहे हो, पता नहीं 50 लोगों को मुझे बुलाना है, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा सुन ले उसकी बात भी, शादी तो कर रही है ना हमारी मर्जी से, मैं बात करूंगी प्रशांत से, ठीक है? ठीक है बेटा, तू जाके आराम कर, थक गई होगी। देव मेरी बात ध्यान से सुन, एक बार उसकी शादी तो हो जाने दे, उसके बाद हम धूमधाम से रिसेप्शन भी दे सकते हैं, फिर तो बुला लेना जिसको बुलाना हो, है ना? सबको बुला ले, शान शौकत से फिर हम कर देंगे, ठीक है? शादी तो हो जाना दे। ठीक है बुआ, मैं चलता हूँ, मुझे भी काम है। ठीक है बेटा तू जा, मैं भी जाके उसको समझाती हूँ। देखो ये लड़की क्या कर रही है। बताओ ऐसी भी क्या अर्जेंट बात करनी है मुझसे? मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मना करना शादी के लिए? मेरे भैया कह रहे हैं कि अगर मैंने शादी आपसे की ना तो वो सारी प्रॉपर्टी ना दान में दे देंगे, और वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है। एक काम करना, जिससे तुम शादी करोगी उससे डाउन ले लेना, एक तो उसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और तुम्हारे भैया भी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनो, अपना बंगला होगा, अपनी गाड़ी होगी, पैसा होगा, शौहरत होगी। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और कोई मुझे छुए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जान मेरी बात सुनो, तुम इसको छूना ही मत देना, तो टेंशन में अपनी पूरी लाइफ दे देना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी आंखों में देखो, मुझसे प्यार करती हो ना तो कर दो ऐसा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं छोड़ नहीं सकती, तो कोशिश करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अरे मानना तो पड़ेगा ही, छोड़ यार चल, मैं देख कर बहुत सट्टा लगाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ, यह सब तुम्हारा बेडरूम जिसको तुम्हें संवारना है। खुश हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है। क्या पता मुझे? अरे शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, तुमने बोला सिंपल तरीके होगी, सिंपल तरीके होगी। शादी मेरी मर्जी से नहीं, मेरे भाई की मर्जी से हुई, मेरी मर्जी से नहीं हुई। मना कर देती? अरे मना कर देती ना फिर? मना ही कर पाती तो शादी भी करती। मेरी बात सुन, चलो उतारो उसको पहले, आराम से बैठो, आज हमारी शादी की रात है। हाँ दीदी खुश हो? तुम तो यही चाहते थे ना मेरी खुशी, तुम उससे शादी करके। क्या हुआ, तुमने अपनी मर्जी से चली? जो करना था तुम्हें कर लो। अरे मुझे कुछ नहीं करना, यही चाहते थे ना? मुझे कुछ नहीं करना, एक बात बताओ, एक बात बताओ, रिलैक्स रिलैक्स। तुमने अपनी मर्जी से शादी की है ना?
तुमने अपनी मर्जी से शादी की है ना? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। तो फिर क्यों की? मैंने अपने भाई की खुशी के लिए किया जो भी किया। अब कर ली ना शादी, हम पति पत्नी। अरे इसमें रोने की क्या बात है, रो क्यों रही? मैंने क्या बोला तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे से दूर रहना, दूर रहो। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कुछ बोला तुम्हें? हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? हुआ क्या मुझे ये तो बताओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ नहीं हुआ। चलो सो जाओ। अरे आराम से सो जाओ यार, मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कहूंगा, टच नहीं करूंगा, आराम से सो जाओ। मैं जाके ड्राइंग रूम में सोफे पे सो जाऊंगा, मैं बाथरूम में सो जाऊंगा, मैं नीचे सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ आराम से, कुछ नहीं कह रहा मैं। सुन रही हो मुझे? पता तुम सब सुन रही हो। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं यहीं बैठा हूँ, सोफे पे जाके सो जाऊंगा, तो आराम से सो जाओ। तो जब मैं बाहर जाऊंगा तो ताला लगा लेना बेशक, अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो। Yes. मुझे नहीं पता था कि सलोनी तुम भी पीती हो, नहीं तो रोज शाम को मैं बार बार में जाता हूँ, मुझे बार में जाने की जरूरत नहीं, जब मेरी कंपनी मेरे घर में बैठी हुई है। कुछ बताओ अपने बारे में, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे हर वो चीज अच्छी लगती है जो खुश रहती है, जिंदगी में एंजॉय करती है। मुझे बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। मुझे भी चाहिए। अरे लड़कियां सिगरेट नहीं पीती, सिगरेट मत पियो, एंजॉय करो। श्योर? तुम सिगरेट क्यों पीती हो? अच्छा चलो सिगरेट को छोड़ो, फिर हमारी शादी को काफी टाइम हो गया। और मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे अपना पति नहीं मानती तो कोई बात नहीं, एक दोस्त तो मान सकती हो। अपने सुख दुख तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो, तुम जानती हो मैंने तुमसे क्यों शादी की। मेरे को बचपन में आज भी याद है मेरे माता पिता, इंसान छोटा होता है किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है? अपनी माँ से और अपने पिता से। मेरी माँ में मेरी एक संपूर्ण औरत नजर आती थी, उसमें दया थी, ममता थी, सच्चाई थी, थोड़ा जिद्दीपन भी था। उसके बाद मुझे किसी भी लड़की में, किसी भी औरत में वो चीज नजर नहीं आई, तुम में नजर आई। और मुझे लगा कि जिस औरत के मैं इतने नजदीक था उसी की परछाया, उसी की एक छाया मेरी जिंदगी में आ रही है। हाँ मेरा स्वार्थ था ये कि तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने मुझे बताया कि किसी और से प्यार करती हो, लेकिन आई डोंट नो कि तुम क्यों माने। खैर एनीवे, मुझे अच्छा दोस्त समझ सकती हो, कभी भी जिंदगी में कोई काम पड़े जो तुम अपने भाई
बड़े भाई जो हमारे देव साहब हैं, मेरे बड़े साले साहब, उनके साथ शेयर ना कर पाओ, मेरे साथ शेयर कर सकते। मानना पड़ेगा तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। सलोनी, तुमने मेरे से शादी क्यों की? शादी करके दुखी हो या सुखी हो? मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने तुम्हारे साथ शादी उनका एहसान होता अपने लिए। जब तुम्हारे भाई मेरे पास शादी के लिए आए कि चलो उनसे शादी करो, तो मैंने मना कर दिया कि मेरी महबूबा मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मैं इस कंट्री का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, टू बी वेरी फ्रैंक, बुरा मत मानना, बचपन में तुम खूबसूरत नहीं लगी, मेरी बात का बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं माना ना। लेकिन जब तुम्हारे भाई ने मोबाइल में मुझे फोटो दिखाया तो मैं तुम्हें देखता रह गया। तुम्हारी आंखों की खूबसूरती, तुम्हारे बालों की खूबसूरती, मेरे जलन हुई कि लड़की किसी और से क्यों प्यार करती है, मेरे से क्यों नहीं प्यार करती। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, हर आदमी स्वार्थी होता है। तुमने मुझे मना किया कि मेरे से शादी मत करना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे भाई को बोला, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे बोला कि नहीं, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिस समीर मल्होत्रा से वो प्यार करती है वो क्रिमिनल है। तुम्हें तो यकीन नहीं होगा कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है, और मेरा स्वार्थ था तो मुझे पसंद भी आ गई थी। तो जब तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? आप पीना चाहे तो पी सकती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हारी शादी में से जबरदस्ती हुई तो उस दिन ऑफिस की हमारी, मेरे ऑफिस में जो मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी काम करती है, मेरी टाई ठीक कर रही थी, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? तुम तो मेरे से प्यार ही नहीं करती, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? हाँ, खुल के बोल सकती है, यहां सिर्फ तुम और मैं बैठे। मैंने सुना पीने के बाद आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। सात जन्मों में, सात जन्मों तक साथ रहने का वादा किया। चलेंगे चलेंगे, कोई यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बैठे तुम्हें गर्मी लग रही है, नींद आ रही है? तुम्हें इतना नशा क्यों हुआ?
किस्मत है तो प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और। चलो ऊपर वाले की मर्जी जो होगा देखा जाएगा। चलो कभी तो अपना भी टाइम आएगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या हुआ? छोड़ो मुझे। इधर आओ। आज तुम्हारे को मैं लेके जाऊंगा, सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, फिर तुम पूरी जिंदगी खुश रहोगी। मैं ऑफिस से आता हूँ। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। और प्रशांत, तो नई नई शादी हुई है, क्या मौज मार हो रही है? अरे यार, काहे की शादी, हमारे देव भैया ना डॉक्टर साहब, हाँ, जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, हाँ, उनकी बहन से शादी हुई है। तुम तो यार समीर बाहर गए हुए थे। हाँ, मैं जल्दी में बिजनेस के काम से जल्दी में हमारी शादी हुई है। तो देखो किस्मत कैसी है कि देखो मक्खी भी तंग कर रही है। किस्मत तो तंग कर रही है, मक्खी भी तंग कर रही है। हमारे ऑफिस में मक्खी कहाँ से आ गई है? चलो खैर छोड़ो, पर मैं तुम्हारी शादी बड़ी मिस कर रहा हूँ यार। शादी तुम्हें बड़ा खुश हुआ, खूबसूरत लड़की है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को से प्यार करती है, वो लड़का कर रही है, सबसे पैसे की शादी करते हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की 5-7 दिनों में शादी के दौरान, लेकिन समझ नहीं रही। तो मैं किसी के साथ ऐसे घुट घुट कर जबरदस्ती, मेरा नेचर पता ही है कि जबरदस्ती किसी का रह नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ इसकी प्यार को उसकी सोच। नहीं नहीं कहो तो मैं बात करूँ। यार बात तो कर लोगे भाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार जब जिसकी अकल पे पत्थर पड़ जाए, जिसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको उसके रास्ते पे छोड़ना चाहिए। अगर कोई आपसे प्यार करता है उसको छोड़ दो, अगर वो आपका होगा तो आपके पास लूट कर आएगा, नहीं लूट कर आएगा तो आपकी किस्मत में आ ही नहीं। चलो कोई नहीं, आज एक काम करता हूँ मैं, आज मैं उसको समीर मल्होत्रा का लेके जाऊँ, उसके साथ रहना चाहते उसको एक को चुनना पड़ेगा, या प्रशांत वर्मा या समीर मल्होत्रा। अच्छा, वो लड़का मैंने भी इंक्वायरी की है, उसका काम है लड़कियों से फ्लर्ट करना, अमीर लड़कियों से, उनसे पैसे कमाना, उनसे पैसे लूटना भी नहीं करती, लेकिन अभी इसको सलोनी को समझ नहीं आ रहा। सलोनी सिंघानिया नाम इतना बड़ा है बिजनेसमैन, सलोनी सिंघानिया पर अकल जो है घुटने में लोगों की होती है, उसकी अकल पैरों में, क्या करें। एक लोग कोशिश कर लो, बात लग जाए तो अच्छा है। कितनी खूबसूरत लड़की है, फिर देव भैया की सिस्टर, हमारे बड़े भाई की तरह है।
हालांकि शादी के लिए पहले मैंने मना कर दिया था, लेकिन उसने बताया मैं किसी से प्यार करता हूं। लेकिन क्या करता, ये दिल उसके आ गया। ऊपर से देव भैया ने भी बोला कि नहीं 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 शादी करूंगा। और बताओ यार, ये बातें तो रहेंगी, बातें तो करके दिन बस का आदमी। हां बस बढ़िया हो रहा है, मैं डील करके आया हूं, देखो ना फायदा होता। चलो अच्छी बात है, तो कहीं बाहर नहीं जा रहे घूमने? अरे कहीं बाहर नहीं सर, मैं तो घर में भी मेरे भाई घर में भी बड़ा मेरे दोस्त हूं। चलो छोड़ो इन सब बातों को, जैसे आप इस खत्म हो शाम को बैठ के पीते हैं खाते हैं और अपने कॉलेज के टाइम की बड़ी बहुत मजी जो हमारे हुआ करते थे वो याद कराएंगे। चलो छोड़ो सारी बातें होती रहेंगी यार। चलो ये बताओ कि एंजॉय करके आए ना बाहर से? अरे बहुत, मेरा पता ही है मेरा नेचर, शराब कबाब शराब सब चलता है। अच्छी बात है, मुझे ऐसे क्यों लगा यार तुम बाहर से आए हो, तुम स्मार्ट लग रहे हो। अब ऐसे ही है मेरी पर्सनालिटी। अब आप सोच रहे होगे मेरे भाई कि ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है मुझे, यार अंदर का गम मेरा निकल रहा है। कोई बात नहीं दोस्त हूँ, कर सकते हो, बिजनेस पार्टनर कम दोस्त होते हैं इसलिए। हम तो बचपन से दोस्त हैं यार। और क्या, एक बात बताओ कि यार मेरे में कोई कमी है, क्या दिक्कत है? अरे हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तुम तो हीरा आदमी हो। पता नहीं उस लड़की को समझ क्यों नहीं आ रही। आ जाएगी आ जाएगी, अभी मेरी शादी होती है ना, धीरे धीरे आ जाएगी, थोड़ा टाइम दो। एक काम करता हूँ, शाम को लेके जाता हूँ उसको उस लड़के के पास, या तो हमेशा के लिए उसके पास चली जाएगी या हमेशा के लिए मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम दो समझने का, कि कई बार बातें जल्दबाजी में नहीं होती हैं, धीरे धीरे उसको आप धीरे प्यार की समझ आ जाएगी। सुमित ओबराय, तो अब ऑफिस में यार तुम मेरे भाई चार पाँच सात दिन से खेलिए, सारे पीछे अगर ऑफिस घूमिए तुम्हारे काम में पेंडिंग कर लूँ, ये बातें तुम्हारी होती रहेंगी कि मुझे उसके शादी के लफड़े में उलझ के बिजनेस के हमारा ध्यान रखना। ठीक है चलो ठीक है, मैं जरा इसके पास सुनता हूँ, ठीक है शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं, ठीक है ओके बाय बाय। हेलो हेलो, सलोनी परेशान बोल रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ करोल बाग की, और करंट लोकेशन भेज रहा हूँ। मैंने सुबह बोला था ना कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा बहुत बड़ा, तुम्हारी जिंदगी की खुशियाँ लुटाऊंगा, उस लोकेशन पे पहुँचो 15 मिनट में पहुँचो। हाँ ठीक है, चलो नहीं, टेक केयर बाय। भाई अब कब अमीर बनेंगे, कड़की हो गई है बुरी की बुरी। भाई कब करोगे शादी, कब पैसे आएंगे? देख टीचर भी मेरी बहन है। अरे रुको रुको, तुम लड़ो मत, पैसे भी आएंगे और हम अमीर भी होंगे। सलोनी का तो पता नहीं, लेकिन एक और सेट कर लेंगे यार। ओ कर लो कर लो कर लो। हाँ ये बात सही, कर लो। ऐसी जिंदगी है कि अपने प्यार को किसी और को सोचना पड़ रहा है। क्या दिन देखे थे, क्या दिन देखे थे, शादी की थी, ऊपर वाले कैसे दिन दिखा रहे थे। सलोनी मेरे पास आएगी और समीर के पास जाएगी, देखते हैं आने को। सलोनी मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें आज जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगा और तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, तो आज के मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। आओ चले, जो तुम्हारा गिफ्ट है सरप्राइज। मतलब क्या कहते हैं, देखना क्या पड़ेगा, ऐसे भी देखने में बहुत सारा अच्छे नहीं। बहुत हो गया था मैडम भी, और ये तो आया ना जिसका अवस्थी का गौतम अवस्थी का ना गौतम।
भाई कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, जल्दी कुछ जुगाड़ करो ना। ये हाथ रखने से होने वाला। हाँ भाई। अरे यार रुको यार, अभी भाई ये किसका नंबर है? रुक जा। हेलो, हाँ जी। अरे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ तुम ही हो। अरे तुम जैसी हसीन और कौन है दुनिया में? हाँ 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 प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ। सुनो नहीं, तुम क्या था ये? किससे बात कर रहे थे? और किस लड़की को पटाने की बात कर रहे थे? बोलो मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अरे कुछ नहीं, वो कैजुअली एक स्कूल फ्रेंड से बात कर रहा था। मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे तुमने जो भी सुना वो सब सच था, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और वैसे भी अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? मेरा तो काम है नई नई लड़कियों से खेलना और उनके पैसों पे ऐश करना। क्या बोल रहे हो आप? अरे जाओ ना, तुम्हारे पास बचा ही क्या है अब? चलो रे, चलो भाई चलो। और सुन, समीर मल्होत्रा का उसूल है पुराना, वादा करके भूल जाना। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जा जा, देख लूंगी तुझे। आज के बाद मुझे दिख मत जाना यहाँ पे। बड़े खुश मुझे लेकर आया हूँ। नाम चाहिए? नाम तो बहुत बड़ा दे दूंगा। दोनों बेटा ने एक बहुत बड़ा अरे देव, देख ये टीवी नहीं चल रहा सुबह से। अरे बुआ टीवी को छोड़, मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। क्या? जिसके सुनने के लिए तू तरस रही थी। बता बता जल्दी बता। अरे आज हमारी सलोनी ने हाँ। समीर मल्होत्रा के थप्पड़ मार दिया। आज उसको भी समझ आ गया कि ये लड़का फ्रॉड है और वो आ गई है वापस। ईश्वर बचा लिया हमारी बच्ची को। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, बच गई बेटा हमारी बच्ची। दो सुमित कैसे रहा तू? हम तो मेरे भाई, बस दोस्ती हमारी बचपन की। बस भाई है। पढ़ते 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 के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। चलो कौन सा दिन से ऑफिस के दर्शन लेके ऑफिस से बोल। अरे सुमित मेरे भाई, सोलोनी को छोड़ा है उसके प्यार के पास। अरे क्यों छोड़ा है यार, मैंने कहा था ना। अरे सुमित मेरे भाई, गलत किया। जो आपकी किस्मत में वो कहीं नहीं जाएगी और जो आपकी है वो लौट के आएगी। और फिर भी मैंने एक बहुत मशहूर डायलॉग है फिल्म का, देख उन्हीं की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों को चीन कर हम जिया नहीं करते। अगर मोहब्बत है उनको हमसे, खुद ही से आके जार करे, पीछा हम किसी का किया नहीं करते। बहुत खूब। और मेरे भाई, मेरा दिल करता है वो अभी सामने से दरवाजे से लौट कर आएगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत प्यार करता है उसको। मेरी जान, जिंदगी में एक ही लड़की से तो प्यार किया, इससे पहले अपनी महबूबा क्या थी? अपना बिजनेस। अपनी जिंदगी का तंबू तीन बम्बों पे खड़ा है, एक सलोनी, एक मेरे भाई तू और एक अपना बिजनेस। अब इस तंबू में से एक भी बम्बू गिरेगा तो मेरा तंबू गिर जाएगा, लेकिन क्या करे उसे छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जाम पियो। हालांकि हम रम नहीं पी रहे, लेकिन मेरे दोस्त पियो रम मिटाओ गम। कोई नहीं, तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ है तो वो तो मैं साथ, बड़ी बड़ी जिंदगी जीत जाएगी, बिजनेस की जीती हमने, वो तो साथ में होगी तुम्हारे। हमने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया। कह रहा छोड़ो यार बिजनेस की बातें, आज की रात, आज की शाम, आज का काम सलोनी के नाम। अरे तू चिंता मत कर, भाभी आ जाएगी। अरे मेरे दोस्त वो आएगी, मुझे भी पता है, लेकिन अपनी मर्जी से आएगी।
यही किसी को पकड़ कर अपने पास रखते हो अच्छा नहीं लगता है, क्या करे। और मेरा दिल करता है वो आएगी आएगी वो जरूर आएगी जरूर आएगी। चलो अरे भाभी आ जाएगी, चिंता ना कर। कितना समय जो होना है वो तो हो गया है। अरे ये सलोनी तो है। नमस्ते भाभी जी। मेरे भाई कैसे हो? अरे हाँ नहीं मेरे भाई सलोनी कैसे हो सकती है, चोरा है मौके में आया सलोनी की मेरा दिल रखने के लिए। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, जाओ चलो तुम बात करो मैं चलता हूँ, ठीक है अपना ध्यान रखना। चलो मिलते हैं कल। सलोनी नजर आ रही है। नहीं नहीं सलोनी मैं तो तुम्हें छोड़ आया तुम वापस गलियों में, तुम यहाँ कैसे? मैं सब कुछ छोड़ कर आ गई हूँ तुम्हारे पास, मैं जिंदगी के लहर से समझ चुकी हूँ। सलोनी तुम अगर समीर के साथ खुश रहती हो तो वहाँ आ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लाइफ को समझ चुकी हूँ और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो आज मुझे समझ आ रहा है। मैं प्यार करता था करता हूँ करता ही रहूंगा। सलोनी तुम सच बोल रही हो? मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा। अब मुझे छोड़ के तुम भी जाओगी? पक्का हमेशा? अल्लाह भी चलोगी? अल्लाह भी चलोगी जब जाओगी तुम नहीं? I love you, Salome. I love you. क्या लो